तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है न्यूरॉन। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, न्यूरॉन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन होता क्या है। तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे हम, फिर देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है न्यूरॉन का। जनरली ये तीन टाइप से किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, और तीसरा है आपका डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे किसी भी न्यूरॉन में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है उसकी नर्व सेल बॉडी, है ना, जिसको सोमा या पेरिकेरियन भी बोलते हैं, और फिर है उसकी प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में मेन है आपकी डेंड्राइड और एक्सॉन। इसके अलावा हमें दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं, जो एक है माइलिन शीथ क्या है और एक है न्यूरिलेमा। फिर इस टॉपिक में एक लास्ट सब टॉपिक है न्यूरोट्रॉफिन्स या न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। ये बेसिकली नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो नर्व की रीजनरेशन और ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। और उसके अलावा कुछ और न्यूट्रोफिन्स हैं जो नर्व ग्रोथ फैक्टर के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं हम न्यूरॉन के बारे में क्या लिखा है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे मेन बात यह है कि अगर हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो उसका सबसे पहले हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं या नर्व फाइबर भी बोलते हैं, ड्यू टू इट्स शेप। क्योंकि आपने जनरली सुना है सेल कैसा होता है, सर्कुलर, लेकिन इसका जो शेप है वो कैसा है, इलोंगेटेड, इसीलिए इसको नर्व फाइबर भी बोला जाता है, जस्ट लाइक मसल सेल या मसल फाइबर बोलते हैं हम। ठीक, न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूरॉन बाकी सेल्स की तरह ही है, लेकिन कुछ उसमें पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज सिमिलर टू एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। बट ऐसा नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बाकी सेल्स में नहीं मिलते, केवल न्यूरॉन में ही मिलते हैं। और उन सेल्स के स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये दो बात पे है। एक तो न्यूरॉन के पास ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम एक्सॉन, ठीक है, और डेंड्राइट कहते हैं। कैसी प्रोसेसेस है? न्यूरॉन हैज ब्रांचेस और प्रोसेसेस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट। और दूसरी बात है, इसके पास एक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन में यूज होता है, इसका नाम है सेंट्रोसोम, ठीक है, वो नहीं मिलता, इसीलिए ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला था तीन टाइप से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द एक्सॉन। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके नंबर ऑफ पोल्स में क्या है, फंक्शन में क्या है, और लेंथ ऑफ एक्सॉन में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे बेसिकली नर्व फाइबर को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है आपका यूनिपोलर, फिर है आपका बाईपोलर, फिर है आपका मल्टीपोलर। क्लियर, ये तीन टाइप से डिवाइड किया था। लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ बुक्स में एक वर्ड और मिलेगा, स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है, क्या मिलेगा, स्यूडो यूनिपोलर, या एक और मिलेगा ए पोलर या नॉन पोलर। तो ये वर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन जनरली जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ जो ज़्यादातर हमारे ब्रेन में प्रजेंट हैं वो ये तीन ही हैं। ठीक, तो यूनिफॉर्म यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि मान लीजिए ये एक सेल बॉडी बना दी मैंने और इससे कोई एक प्रोसेस निकली। इस एक प्रोसेस एक्सॉन भी हो सकती है और एक प्रोसेस डेंड्राइट भी हो सकती है, और ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिपोलर। बाईपोलर का मतलब ये है कि एक ये हो गई सेल बॉडी, एक तरफ हो गई एक प्रोसेस और एक तरफ एक, इनमें से एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सॉन होगा। मल्टीपोलर का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ये हो गई और बाकी प्रोसेसेस ये हो गई,
ये सेल बॉडी हो गई, ये डेंड्राइट्स हो गई, और ये एक्सॉन हो गया। तो बॉडी में जनरली मल्टीपोलर वाले सेल्स न्यूरॉन ज्यादा है। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की। तो अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव ओनली वन पोल, जैसा हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम नंबर ए को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि यूनिपोलर न्यूरॉन के पास ओनली वन पोल है। फ्रॉम अ सिंगल पोल बोथ एक्सॉन एंड डेंड्राइट अराइज, ठीक है। बोथ एक्सॉन एंड डेंड्राइट अराइज एंड दिस टाइप ऑफ नर्व सेल इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब हमारा नर्वस सिस्टम बन रहा होता है उस टाइम पर ये आपकी ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं बाईपोलर न्यूरॉन की। तो बाईपोलर न्यूरॉन का मतलब है जैसा न्यूरॉन जिसके पास कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, है ना, उनको हम बोलेंगे बाईपोलर न्यूरॉन। एंड द एक्सॉन अराइज फ्रॉम वन पोल एंड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द अदर पोल, यानी ये हो गई हमारी सेल बॉडी, ये हो गया हमारा एक्सॉन, और समझिए ये हो गया हमारा डेंड्राइट। दो पोल हो गए ये। फिर बात करेंगे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर मैं बात करूंगा तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव मैनी पोल्स। क्लियर। यानी मान लीजिए ये हो गई सेल बॉडी और ये हो गए इसके पोल्स, तो ये बन गया एक्सॉन और ये हो गए डेंड्राइट। क्लियर। वन पोल गिव्स राइज टू एक्सॉन एंड ऑल अदर पोल्स गिव्स राइज टू डेंड्राइट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। तो मैंने बताया था आपको डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दो ही फंक्शन ये परफॉर्म करेगा कोई भी नर्व फाइबर, या तो मोटर यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले जाने के बाद, या सेंसरी या बोल दो एफरेंट। मैंने आपको निमोनिक भी बताया था पिछले वीडियो में सेम, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। सेंसरी को अफरेंट बोलते हैं और मोटर को इफरेंट बोलते हैं। तो सेंसरी से अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको इंफॉर्मेशन को CNS प्रोसेस करेगा, और मोटर या इफरेंट या इफेक्टर के ऊपर उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इफेक्ट दो ही तरीके से देखने को मिलता है, या तो मसल में या ग्लैंड में। क्लियर। या तो मसल कॉन्टेक्ट होगी या ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होगा। चलिए अब बात करते हैं मोटर और इफरेंट न्यूरॉन की। तो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, दे कैरी द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द पेरीफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स। पेरीफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स में कौन आ गया, मसल आ गई, ग्लैंड्स आ गई और ब्लड वेसल्स आ गए। तो तीन स्ट्रक्चर ही यहाँ पर हमें असर देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरली ईच मोटर न्यूरोन हैज लॉन्ग एक्सॉन एंड शॉर्ट डेंड्राइट। लॉन्ग एक्सॉन एंड शॉर्ट डेंड्राइट, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन जाएगी कहीं से कहीं तक तो वो किसके थ्रू जाएगी, डेंड्राइट्स के थ्रू जाएगी। क्लियर। डेंड्राइट्स के थ्रू जाएगी, सेल बॉडी के पास जाएगी, और सेल बॉडी से फिर वो इंफॉर्मेशन दूसरे के पास जाएगी थ्रू एक्सॉन। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द एक्सॉन पे मैं बात करूं तो इसमें दो मुझे देखने को मिलते हैं। एक है गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन, गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ एक्सॉन गोल्जी टाइप वन, गोल्जी टाइप टू न्यूरॉन। क्लियर। अगर यहाँ पे हम देखें कि गोल्जी टाइप वन क्या है, तो गोल्जी टाइप वन में लॉन्ग एक्सॉन होगा। जो एक्सॉन होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग एक्सॉन होगा। सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स इज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर एक्सॉन्स रीच द रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन। जबकि गोल्जी टाइप टू का जो एक्सॉन होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है। इट इज हैविंग शॉर्ट एक्सॉन एंड दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड। दो लोकेशन पे ही तुमको मिलेगा, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की।
चलिए देखते हैं। तो कोई भी न्यूरॉन मैंने जैसा अभी बताया आपको, उसके तीन ही पार्ट हैं। एक है आपकी सेल बॉडी, दूसरी है आपकी डेंड्राइट्स और तीसरा है आपका एक्सॉन। क्लियर? तो तीन स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपके डेंड्राइट और एक्सॉन को मिला के हम प्रोसेसेस भी बोल देते हैं, सेल प्रोसेसेस। क्लियर? तो यहां पे देखिए, डेंड्राइट एंड एक्सॉन फॉर्म द प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन, है ना। प्रोसेसेस में जो शॉर्ट है उसको हमने डेंड्राइट बोला और जो लॉन्ग है उसको हमने एक्सॉन बोला। और इन्हीं डेंड्राइट और एक्सॉन को कई बार बुक्स में नर्व फाइबर बोला जाता है, ठीक है। डेंड्राइट एंड एक्सॉन बोथ, कहीं पर अगर डेंड्राइट बहुत लंबा है तो भी उसे नर्व फाइबर कंसीडर करेंगे, कहीं पर एक्सॉन लंबा है तो उसको भी नर्व फाइबर कंसीडर करेंगे। अब एक एक करके हर पार्ट की हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नर्व सेल बॉडी के बारे में। तो नर्व सेल बॉडी को देखिए, या तो सोमा या पेरिकेरियन भी बोलते हैं, और ये इरेगुलर शेप का होता है अगर देखा जाए तो। नर्व सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा और पेरिकेरियन। इसके शेप की बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होगा, लाइक एनी अदर सेल। इट कॉन्स्टिट्यूटेड बाई अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक लार्ज साइज न्यूक्लियस, निसल बॉडी, न्यूरोफिब्रिल। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सब सेलों में नहीं मिलते, केवल नर्व फाइबर में ही आपको मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गॉल्जी एपरेटस। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, निसल बॉडीज या ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं इनको कुछ बुक्स में, और न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसल बॉडीज आर फाउंड ओनली इन द नर्व सेल एंड नॉट इन एनी अदर सेल। ये बात क्लियर है, ये और कहीं नहीं मिलेंगे, केवल नर्व सेल में ही मिलेंगे। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके और डिटेल में, देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया गया है। तो ये मल्टी न्यूक्लियेटेड नहीं है, इसके अंदर हमेशा एक ही न्यूक्लियस होगा। इट इज वन न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली प्लेस्ड इन द नर्व सेल बॉडी। न्यूक्लियस हैज वन और टू प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, है ना, एक और दो न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। और तीसरी बात है, न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन सेंट्रोसोम, जिसकी वजह से सेल कैन नॉट शो सेल डिवीजन लाइक अदर सेल। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम निसल बॉडीज या निसल ग्रेन्यूल्स की। तो ये बेसिकली क्या है? तो बाई नेचर ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स है। बेसोफिलिक क्यों बोला गया? तो जो बेसिक डाई होती हैं, जब इसको हम स्टेन करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो ये बेसिक डाई से स्टेन हो जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है बेसोफिलिक, ठीक है। तो निसल बॉडीज आर स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन एंड नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर। इसके डिस्कवरर का नाम निसल था, तो निसल के नाम पर इसका नाम पड़ा निसल बॉडीज। दीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन सोमा, सोमा मतलब सेल बॉडी, एंड डेंड्राइट्स, बट नॉट इन द एक्सोन और एक्सोन हिलॉक। समझा? तो मान लीजिए ये सेल बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे मिलेंगे डेंड्राइट में, सेल बॉडी में, बट यहाँ पर नहीं मिलेंगे, एक्सोन में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो निसल बॉडीज आर कॉल्ड टिग्रोइड सब्सटेंस, इनको टिग्रोइड सब्सटेंस भी कहते हैं। सिंस दीज बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिग्रोइड और स्पॉटेड अपियरेंस ऑफ द सोमा आफ्टर सूटेबल स्टेनिंग। तो ये जब हम स्टेनिंग प्रॉपर्टी वाली डाइज के ऊपर डालते हैं, तो इसकी वजह से ये कैसा अपीयर होता है, स्पॉटेड। ये स्पॉट स्पॉट से दिख रहे हैं, स्पॉटेड के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, टिग्रोइड।
डेंड्राइट्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्सॉन बाई प्रेजेंस ऑफ इनिशियल ग्रेन्यूल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, अगर कहीं कहीं पर साइज दोनों की लेंथ डेंड्राइट और एक्सॉन की बराबर है तो कैसे पहचानेंगे साइंटिस्ट? तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? उसको पहचानने का क्राइटेरिया यही है कि जहां पर आपको इनिशियल ग्रेन्यूल मिलेगा इसका मतलब वो डेंड्राइट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनिशियल बॉडीज आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कंटेनिंग राइबोसोम। कैसा स्ट्रक्चर है ये, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है ना, और इसके अंदर क्या मिलेंगे? राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है नॉर्मल सेल में? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ न्यूरॉन में प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कराएगा? राइबोसोम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स। तो प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन द सोमा आर ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सोन बाय एक्सोनल फ्लो। द नंबर ऑफ निसल बॉडीज और ग्रेन्यूल्स वेरीज विद द कंडीशन ऑफ नर्व। ड्यूरिंग द फटीग और इंजरी द न्यूरोन ड्यूरिंग द फटीग एंड इंजरी ऑफ द न्यूरोन दीज बॉडीज फ्रेगमेंट एंड डिसअपियर बाई प्रोसेस कॉल्ड क्रोमेटोलाइसिस। तो अभी आगे कहीं कहीं पर आप ये वर्ड सुनोगे, व्हाट इज क्रोमेटोलाइसिस? तो क्रोमेटोलाइसिस का मतलब है कि फटीग या इंजरी के केस में ये जो निसल बॉडीज है इनके फ्रेगमेंट हो जाते हैं और ये डिसअपियर हो जाते हैं, इसी को बुलाया गया क्रोमेटोलाइसिस। ठीक, द ग्रैन्यूल्स री अपियर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द फटीग और आफ्टर रीजनरेशन ऑफ द नर्व फाइबर। तो क्रोमेटोलाइसिस के बाद ये रिकवर कर सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रिकवरी। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा, हमने सेल बॉडी के बारे में देख लिया, अगला स्ट्रक्चर है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ब्रांच प्रोसेस है। कैसा है? ब्रांच्ड। तो डेंड्राइट्स आर ब्रांच प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल बॉडी हो गया न्यूरॉन का, ये मेन डेंड्राइट्स, और इसके अंदर से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये सिंगल प्रोसेस का नाम है एक्सॉन। डेंड्राइट्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इफ प्रेजेंट इट मे बी वन और मेनी इन नंबर्स। हमने भी देखा भी था यूनिपोलर बाइपोलर। ठीक, डेंड्राइट्स हैज निसल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स एंड डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहली बार रिसीव होगी, रिसीविंग पॉइंट क्या रहेगा? डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन जाएगी सेल बॉडी, और फिर आगे ट्रांसमिशन का काम कहाँ पर रहेगा? आपका एक्सोन पे। ये याद रखने वाली बात है। तो डेंड्राइट ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड यूजुअली डेंड्राइट इज शॉर्टर देन द यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट देखा गया है जनरली शॉर्टर होगा इन कंपेरिजन टू एक्सोन। के बाद बात करते हैं एक्सॉन की। तो एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है नर्व सेल की। ठीक है, और पहली बात तो लॉन्गर प्रोसेस है, दूसरा इसका जो नंबर है ओनली वन। ठीक है, ओनली वन एक्सॉन, एक सेल में एक ही एक्सॉन होगा। एक्सॉन जो अराइज होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। मान लीजिए ये हो गई सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये अराइज हुआ कौन? एक्सॉन। और एक्सोन का जो ये वाला पॉइंट है जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, जहाँ से ये अराइज होगा। एंड इट इज डिवॉइड ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल नहीं होंगे। फिर ये एक्सटेंड करता है लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एक्सोन इज 1 मीटर। ठीक है, अब सोचो कितना लंबा हो सकता है ये, 1 मीटर तक लेंथ हो सकती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन से लेके पैर के अंगूठे तक कोई ना कोई नर्व का एक नर्व फाइबर इतना लंबा हो सकता है जिसकी लेंथ टोटल बैठेगी 1 मीटर। ठीक है, एक्सॉन वाले पार्ट की। द एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? आएगी डेंड्राइट से, आप एरो देख सकते हो, लेकिन जाएगी कहाँ से? जाएगी एक्सॉन से, टूवर्ड द एक्सॉन टर्मिनल्स। क्लियर? अब देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व, यानी नर्व कैसे बनती है।
नर्व इज फॉर्म बाई मैनी बंडल्स और ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर में जनरली एक्सॉन भी हो सकते हैं या डेंड्राइट भी हो सकता है। तो ईच बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड फेसिकुलस। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक नर्व हो गई, ये एक नर्व हो गई, ये नर्व हो गई, ये नर्व, 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 इन नर्व को मैं अगर एक कवरिंग में बंद कर दूं तो ये क्या बन गया हमारा, फेसिकुलस। ठीक है, ऐसे ही कई सारे मिलकर, कई सारे फेसिकुलस। ठीक है, ये तो एक फेसिकुलस है, दो तीन चार पाँच, पाँच छः फेसिकुलस मिलकर फिर एक कवरिंग में बंद हो जाएंगे तो बन जाएगी वो एक नर्व, उसको बोलेंगे हम नर्व, कई सारे बंडल से। और एक बंडल के अंदर क्या मिलेगा, एक नर्व फाइबर, नर्व फाइबर या नर्व सेल बोल दो। कवरिंग्स की बात करें तो होल नर्व इज कवर्ड बाई ट्यूबुलर शीथ विच इज फॉर्म बाई एरियोलर मेम्ब्रेन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा था है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं हम एपिन्यूरियम। तो किसी भी नर्व की सबसे ऊपर वाली कवरिंग का नाम है एपिन्यूरियम। ठीक है, एपिन्यूरियम ये वाली जो कवरिंग है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका नाम है एपिन्यूरियम। ठीक, ईच फेसिकुलस इज कवर्ड बाई पेरिन्यूरियम। ठीक, अब यहाँ पे मैं फेसिकुलस की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो फेसिकुलस हमने बनाए थे, इनकी कवरिंग, इनकी इंडिविजुअल कवरिंग का नाम क्या है भाई, इनकी इंडिविजुअल कवरिंग का नाम है आपका पेरिन्यूरियम। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ केवल एक नर्व सेल को यहाँ से मैं बाहर निकालूँ, ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग है एक नर्व फाइबर की, उसको मैं बोलता हूँ एंडोन्यूरियम। क्लियर, क्या बोलता हूँ, एंडोन्यूरियम। ये बात क्लियर हुई दिमाग में? चलिए अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन की। एक्सोन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ बातें मुझे याद रखनी है कि एक्सोन के साइटोप्लाज्म को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ बेटा एक्सोप्लाज्म, है ना। और एक्सोप्लाज्म के ऊपर एक शीत होती है, उसको मैं बोलता हूँ एक्सोलेमा। सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। एंड एक्सोलेमा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल बॉडी। तो ये तो बात क्लियर है, इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है एक्सिस सिलेंडर। तो एक्सोप्लाज्म अलोंग विद द एक्सोलेमा इज कॉल्ड एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से एक्सटेंशन हो गया है किसका, न्यूरीलेमा का। न्यूरीलेमा के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरीलेमा के अंदर एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और सेल की कवरिंग का नाम एक्सोलेमा। इस पूरे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जिसमें एक्सोलेमा एक्सोप्लाज्म दोनों है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस सिलेंडर। इसी को बोलते हैं एक्सिस सिलेंडर। अब हम देखेंगे एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मिलेगा। एक बात तो हमें कंफर्म है कि यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, तो एक्सोप्लाज्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफेब्रिल, यानी न्यूरोफेब्रिल तो आपको सेल बॉडी में भी मिल रहे थे, डेंड्राइट में भी मिल रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे, एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ निसल बॉडीज इन द एक्सोन, प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द नर्व फाइबर्स आर सिंथेसाइज इन सोमा एंड नॉट इन द एक्सोप्लाज्म। तो अभी बताया भी गया था एक्सोनल साइटोप्लाज्म में प्रोटीन आएगी कैसे, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, सेल बॉडी में, और वहाँ से वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू आएगा कहाँ पर, एक्सोन के पास। क्लियर, आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोमा टू एक्सोन बाई मीन ऑफ एक्सोनल फ्लो। तो इस मूवमेंट का नाम क्या है, एक्सोनल फ्लो, जिसके बाद आपका सेल बॉडी सप्लाई करेगा क्या, प्रोटीन्स। ठीक है, सम न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई एक्सोनल फ्लो बाई सोमा टू द एक्सोन। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर भी तो केमिकल्स ही है भाई, तो केमिकल्स हो या प्रोटीन हो, बात तो एक ही है, केमिकल मॉलिक्यूल। ठीक भाई, वहाँ वो स्पेसिफिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, केमिकल लिपिड भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, और आपके नॉर्मल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक, तो एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर इज कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरीलेमा। ठीक है,
तो ये हो गया एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म की कवरिंग, ठीक है, और इसके ऊपर एक और थिन कवरिंग हो गई जिसको हमने बोला न्यूरी लेमा, ठीक है। अब बात करते हैं नर्व की। नर्व जो है वो दो तरीके की होगी, या तो उसको हम बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, अगर उसका कॉम्पोजिशन है वो ऐसे फाइबर्स हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, नॉट कवर्ड बाई, और अगर है तो उसको हम बोल देंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी जिसके पास एक इंसुलेटेड माइलिन शीथ की कवरिंग है उसको हम बोल देंगे माइलिन नर्व फाइबर। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, हमारे दो टॉपिक बचे थे, एक था माइलिन शीथ और दूसरा था हमारा न्यूरीलेमा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।